नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा Realme 8 Pro की। देखिए दोस्तों, जी है मेरे पास Realme का Realme 8 Pro 128GB वाला वेरियंट, 8GB 128GB वाला वेरियंट। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि दोस्तों आज की डेट में क्या आपको इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और साथ ही दोस्तों इसकी जो इंटरेस्टिंग प्राइस है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन मैंने कितने रुपये का लिया है, और दोस्तों क्या आपको इस फ़ोन की तरफ इस प्राइस पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों सबको बताऊंगा इस वीडियो में, उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है Realme 8 Pro का बॉक्स। दोस्तों इसकी हाईलाइट की बात करूँ कि हाईलाइट की दोस्तों, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और क्वाड कैमरा सेट देखने को मिलता है। दोस्तों सुपर स्लिम फोन है ये, काफ़ी पतला है, और इसमें आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों ये वही प्रोसेसर है जो हमें Realme 6 Pro में देखने को मिला था। और दोस्तों इसमें आपको 50 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, बट इसके अंदर दोस्तों जो चार्ज मिलता है वो 265 वॉट का 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 4500 mAh की एक बैटरी है। दोस्तों यही कुछ इसके हाईलाइट हैं। और मेरे पास है दोस्तों इसका इन्फिनिटी ब्लैक कलर, जो दोस्तों 8GB और 128GB वाला वेरियंट है। ये देखिए तो दोस्तों मैंने इसको अनबॉक्स पहले ही कर लिया है, बट मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए, जी पहले हमें कुछ एक बॉक्स अलग से बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक सिम एक्टर पिन होती है, और दोस्तों एक कवर होता है। तो दोस्तों कवर मैंने इसका निकाल दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। जी इसका बिल है जी दोस्तों, कुछ पेपर वर्क हैं, और सिम इजेक्टर पिन भी दोस्तों मैंने इसकी निकाल दी है। अब दोस्तों जी है फ़ोन, इसको साइड में रखता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ और हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों जी मिलती है हमें एक डाटा केबल, जो कि दोस्तों USB टाइप सी डाटा केबल है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सी टाइप केबल है। और दोस्तों ये है इसका 65 वॉट वाला सुपर डार्ट चार्जर, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन करता है 50 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट। तो चलिए सब कुछ साइड में रखता हूँ और आपको मेन फ़ोन दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो फ़ोन। तो दोस्तों देखिए इसको तो ग्लास लगा हुआ है क्योंकि मैंने इस पर ग्लास भी अप्लाई कर दिया था, और पीछे दोस्तों लेमिनेशन भी करवा दी थी, जिससे दोस्तों इस फ़ोन में प्रोटेक्शन पूरी तरीके से बरकरार रहे। और दोस्तों इसके कैमरे इनके ऊपर भी दोस्तों मैंने ग्लास जो होते हैं वो भी अप्लाई करवा दिए क्योंकि इस पर कोई स्क्रैच ना आए। दोस्तों पूरा फ़ोन मैंने पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है, जिससे दोस्तों इस फ़ोन में कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों इसकी डिस्प्ले बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो दोस्तों फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। और दोस्तों इसकी चार्जिंग की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है सुपर डार्ट चार्ज 50 वाट की, और 4500 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी के साथ। ये दोस्तों इसका 3.5 mm जैक, ये दोस्तों इसका स्पीकर ये, और ये दोस्तों माइक। साइड में दोस्तों हमें मिलता है एक पावर बटन, और ये दोस्तों वॉल्यूम के अप एंड डाउन। कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो इसमें हमें चार कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है दोस्तों 108 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का, और बाकी दोस्तों दो कैमरे हैं वो हैं दोस्तों 2-2 मेगापिक्सल के। तो दोस्तों उनका कुछ इतना खास काम नहीं होता। डेयर टू लिप की ब्रांडिंग काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, और काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पसंद नहीं आती। और दोस्तों ये आपके ऊपर पसंद की बात है कि आपको कैसी लगती है, आपको कैसी लगती है दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा मिलता है ना 16 मेगापिक्सल का, पंच होल वाला, साइड में सेंटर में नहीं मिलता दोस्तों हमें साइड में मिलता है। अब दोस्तों इसमें अगर इसकी सिम ट्रे की बात की जाए तो दोस्तों इसमें मिलती है हमें 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट, यानी दोस्तों इसमें आप डबल सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको हाइब्रिड सिम मिलती है कि जिसमें दोस्तों आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऊपर दोस्तों मिलता है हमें नॉइस कैंसिलेशन माइक। अब दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको इसके अंदर के फीचर के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें दोस्तों इसकी सेटिंग कैसी मिलती है, इनमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए जी मैंने ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कौन सा बताऊं तो वो दोस्तों ये है कि इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है गूगल वाला डायलर। ये देखिए
ये देखिए इसके अंदर दोस्तों बोलता है गूगल का डायलर। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना पसंद है, आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे दोस्तों सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। दोस्तों ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी इस फ़ोन की, क्योंकि इसके अंदर मिलती है हमें गूगल वाला डायलर। अगर रियलमी खुद का डायलर देता तो अच्छा होता। और दोस्तों इसमें दोस्तों हमें काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन मिलती हैं जो हमें यूज में काम में नहीं आती हैं, तो बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों इस सेटिंग की बात करूँ मैं तो दोस्तों देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस है इस सेटिंग का, जिसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 मिलता है। दोस्तों देखिए एंड्रॉयड 11 मिलता है आपको, एंड्रॉयड 11 और सिक्योरिटी पेज लेवल भी दोस्तों आपको जुलाई का इसमें अपडेट आ चुका था एक, तो जुलाई का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिलता है। और इसमें हमें 128 GB में दोस्तों हमें 112 GB के समथिंग फ्री मिलती है। दोस्तों 128 GB काफ़ी होती है जी, मेरे पास 8 GB और 128 वाले वेरियंट है। स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है, जिसमें दोस्तों आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो और कोई भी मल्टीटास्किंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे दोस्तों आप कितनी भी हैवी गेमिंग करो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। दोस्तों यही है वो फ़ोन जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने मिलते हैं। अगर इसकी कॉन्स की बात करूँ मैं तो सिर्फ मुझे एक ही कॉन्स लगी, वो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग को लेके, और दूसरी है दोस्तों इसकी ये बैक पैनल। काफ़ी लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है, बट काफ़ी लोगों को ये देखने में अच्छा नहीं लगता। बट दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बैक कवर यूज़ करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कैमरे दोस्तों इसके फोन काफ़ी अच्छे हैं, 108 MP दोस्तों इसका कैमरा है मेन कैमरा, जिसमें दोस्तों आप काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। आपको कुछ फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए देखो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ये देखो आपको बिल्कुल भी फ़ोटो बेकार नहीं लगेगी, आपको इसमें एक ही चीज़ देखने आ रही है। देखिए रियलमी का जी मैंने लगा रखा है, तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है सूट ऑन रियलमी 8 प्रो 108 MP। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो ये मैंने कुछ टाइम चला हुआ लिया था, जो दोस्तों मैंने लिया था सिर्फ 15,000 रुपये का। बट दोस्तों इसकी वैसे मार्केट प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 20,000 रुपये है। और दोस्तों मुझे कुछ ही चला हुआ मिला था, कुछ टाइम चला हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है, या समथिंग एक महीने चला हुआ मिला था दोस्तों 15,000 रुपये में। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे परचेज कर लिया 15,000 रुपये में। दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है ये, अगर आप में किसी को चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसी प्राइस पर दे दूँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ इसको वीडियो बनाने के लिए लिया था। अगर आप में किसी बंदे को चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आप में किसी को ही इस 15,000 रुपये में इसको दे दूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।